अच्छे नंबर लाएं, आपकी अच्छी हैंडराइटिंग हो, आप बोलें अच्छा, जब असेंबली में बोलने जाएं तैयारी के साथ, आप जहां भी हों वो जीवन में प्रगति करें, नंबर हर विषय में आपके अच्छे आएं, बस। और क्या टीचर को चाहिए, और क्या प्रिंसिपल को चाहिए आपसे, केवल इतना ही चाहिए कि हमारा स्टूडेंट आगे बढ़ रहा है, हमारा स्टूडेंट जीवन में सफल हो रहा है, हमारा स्टूडेंट जीवन की दिशा में आगे बढ़ेगा, ये विश्वास में हो जाए, बस इतना ही चाहिए। अब इस साल हमारे स्टेशन रोड के दो बच्चे आईएएस में आए, इतनी खुशी आए टीचर्स में प्रिंसिपल में कि हमारे बच्चे दो आ गए। अब वो आईएएस तो वो बने ना, अधिकार तो उनको मिला ना, धन तो उनको मिलेगा ना, तनख्वाह मिलेगी अच्छी। टीचर्स खुश क्यों हैं? टीचर्स इसलिए उन्हें खुशी है कि हमारे स्टूडेंट ने प्रगति की। तो टीचर को बस इतना ही चाहिए कि आप प्रगति कर रहे हैं, और कुछ नहीं चाहिए। आप मेहनत कर रहे हैं, आप मेहनत करके अच्छे नंबर ला रहे हैं, जब नंबर अच्छे आते हैं तो टीचर गर्व से कहती हैं मेरा ये बच्चा है, इसका 98% नंबर है, 99% नंबर है, 97% नंबर है। तो ये जो है ये एहसास, यही आपको मेहनत करके अपने टीचर्स को ये आपको देना है कि आप उन्हें खुशी दें, और उनकी खुशी क्या है, आपकी प्रगति, आप आगे बढ़ रहे हैं, ये उनकी खुशी है। तो आप भी उनको ये खुशी दीजिए कि आप आगे बढ़िए। और इसके बाद आज से 200 वर्ष पूर्व पर्शिया के अंदर, ईरान देश के अंदर, बाहुल्ला की आत्मा में एक और ज्ञान उतरा किताब एकदस का, जिसमें था एक कर दे हृदय अपने सेवकों के हे प्रभु, और निज महान उद्देश्य उन पर कर प्रकट मेरे विभु। माय गॉड यूनाइट द हार्ट्स ऑफ दाई सर्वेंट्स एंड रिवील टू देम द ग्रेट पर्पस, मे दे फॉलो दाई कमांडमेंट्स एंड अबाइड इन दाई लॉ, हेल्प देम ओ गॉड इन देयर एंडेवर एंड ग्रांट देम स्ट्रेंथ टू सर्व थी। ओ गॉड लीड देम नॉट टू देमसेल्व्स बट गाइड देयर स्टेप्स बाई द लाइट ऑफ दाई नॉलेज एंड चीयर देयर हार्ट्स बाई दाई लव, वेरिली थाउ आर्ट द हेल्पर एंड देयर लॉर्ड। तो एक कर दे हृदय, माता पिता, पति पत्नी, भाई बहन, पिता पुत्र, भाई भाई, भाई बहन, सबके हृदय, पूरे परिवार में सबके हृदय मिले हुए हों, सबके हृदय पवित्र हों, किसी में कलुष न हो, कोई किसी से कुछ छिपाए नहीं, और सब में एकता हो, घर में शांति सुख आएगा, मोहल्ले में सबके हृदय पवित्र हों और एक हो जाए तो मोहल्ले में शांति होगी, नगर में सबके हृदय पवित्र हों और एक हो जाए तो बस फिर क्या है, नगर में शांति आ जाएगी, प्रांत में, देश में, दुनिया में सबके हृदय पवित्र हों और सबके हृदय एक हो जाएं, सारे दुख दूर हो जाएं, सारी समस्याएं समाप्त हो जाएं, सब सुखी हो जाएंगे। तो आइए हम ये सब कोशिश करें जो हमारे अवतारों ने ये ज्ञान दिया हमें। देखो प्यारे बच्चों, ये पावर हाउस है, इससे कनेक्ट हो गया बल्ब तो इसमें रोशनी आ गई, और ये कहीं तार टूट जाए तो देखिए तार टूट गया, यहाँ से डिस्कनेक्टेड हो गया, तो डिस्कनेक्टेड होते ही अंधेरा आ गया। इसी तरह दिव्य लोके परमात्मा का ये, यहीं से सारी पुस्तकें आई, गीता, त्रिपिटक, बाइबल, कुरान, गुरु ग्रंथ साहब, किताबें एकदस, सब यहीं से आई हैं। तो व्हेन कनेक्टेड टू द एंटायर नॉलेज जेनरेटिंग सिस्टम ऑफ गॉड्स रिवील्ड वर्ड्स, ए चाइल्ड डेवलप्स द पोटेंशियल टू बी रैशनल। बच्चा क्या बन सकता है? रैशनल, विचारवान, वाइज, बुद्धिमान, गॉडली, ईश्वरीय, गुड, अच्छा इंसान, टोटल क्वालिटी पर्सन TQP एंड टोटल क्वालिटी मैनेजर TQM, लाइक ए डिवाइन एंजल, एक देवदूत की तरह बन जाएगा बच्चा। क्या बनेगा? ए गुड ह्यूमन बीइंग इज ए ब्लेसिंग फॉर ह्यूमन सोसाइटी। और कहीं ये तार टूट जाए ये दिव्य लोक से, पूरे परमात्मा से, सब अवतारों का, सब शिक्षाओं का ज्ञान न हो, तब क्या हो सकता है? इरेशनल बन सकता, अविचारवान। क्या बन सकता है? अनवाइज, अबुद्धिमान। क्या बन सकता है? अनगॉडली, अनीश्वरीय। और क्या बन सकता है? बैड, बुरा। और क्या बन सकता है? टोटली मिसगाइडेड पर्सन TMP। और क्या बन सकता है? टोटली मिसगाइडेड मैनेजर TMM, लाइक एन एनिमल, जानवर की तरह बन सकता है। ए बैड ह्यूमन बींग इज ए कर्स फॉर ह्यूमन सोसाइटी, टोटली अनवर्दी एंड अनएक्सेप्टेबल टू सोसाइटी। और इनका गुरु है बार्किंग डॉग, भौंकता हुआ कुत्ता, ये भी भौंक रहे हैं कुत्ते की तरह। तो आज हमारी शिक्षा बच्चे को सही मार्ग नहीं दे रही है, कुत्ते की तरह भौंकने वाला बना रही। प्यारे बच्चों, इतना बड़ा ज्ञान
धर्म के नाम पर फैला हुआ है। शिया सुन्नियों के दंगे होते हैं, हिंदू मुस्लिम के दंगे होते हैं, मुरादाबाद में, सहारनपुर में और कई जगह हिंदू मुस्लिम दंगे हुए। एक तरफ से मुसलमानों की दुकानें जला दी गई क्योंकि मुसलमानों की, एक तरफ से हिंदुओं की जला दी गई क्योंकि हिंदुओं की। इतना अज्ञान है, इतना अज्ञान है। उनके घर में फाका मस्ती हो रही है, उनके घर में खाने को दाना नहीं है, बच्चे परेशान हैं उनके, क्या मिलता है? धर्म के नाम पर इतना द्वेष, इतना नफरत और अज्ञानता के कारण। धर्म तो एक है जो कभी बदला ही नहीं है, शाश्वत है। धर्म माने कर्तव्य, और कर्तव्य एक ही है, प्रभु इच्छाओं को जानना, उनका पालन करना, और कोई धर्म ही नहीं है। और प्रभु इच्छाएं यही सब हैं जो परमात्मा ने भेजी है, तो प्रभु इच्छाएं एक ही परमात्मा से आई हैं। इन सबका परमात्मा एक है। जब इनकी मृत्यु हुई तो इनके शरीर यही रह गए, जला दिए गए या गाड़ दिए गए, आत्मा उसी परमात्मा में विलीन हो गई इनकी। इन सब अवतारों की आत्मा उसी परमात्मा में विलीन हुई। इन सब अवतारों की आत्मा परमात्मा से आई थी, इन सबको दिव्य ज्ञान परमात्मा से मिला था। इन सबकी मृत्यु के बाद इन सबके शरीर यहाँ रह गए, आत्मा इनकी उसी परमात्मा में विलीन हो गई। इन सबका परमात्मा एक है, हमारे अलग अलग हो गए, इससे बड़ा और अज्ञान क्या हो सकता है? CMS के बच्चों को यह ज्ञान मिटाना है। घर घर में अपने मम्मी पापा को समझाएं, मोहल्ले वालों को समझाएं, भैया ईश्वर तो एक है, धर्म तो एक है, मानव जाति तो एक है, और धर्म तो एक ही है। जब ये सृष्टि बनी और जब एडम और ईव बनाए भगवान ने, तो पहले ही धर्म का सबक सिखाया। उन्हें कहा कि देखो एडम ईव, अब तुम हमारी संतान हो, हम तुम्हारे पिता हैं, तुम्हारी भलाई करना हमारा काम है। हर पिता अपने बच्चे की भलाई चाहता है, तुम्हारी भलाई एक चीज़ में है, हमारी शिक्षाओं को जानकर उन पर चलना, और यही बात तुम्हारी जो संतान हो उनको बताना, और कह देना कि वे अपनी संतान को बताएं, संतान दर संतान, पीढ़ी दर पीढ़ी, ये बात सबको पता लगनी चाहिए कि ईश्वर की इच्छाओं को जानकर, आज्ञाओं को जानकर उन पर जो चलते हैं उनका फायदा होता है। तो एक ही धर्म है, जब से सृष्टि बनी तब से आज तक बदला ही नहीं है। मनुष्य के लिए एक ही धर्म है, प्रभु अपने सृजनहार, अपने क्रिएटर परमात्मा की शिक्षाओं को जो युग युग में आती हैं उन सबको जानना और उन पर चलना। इसके अलावा कोई धर्म नहीं है दूसरा, तो धर्म एक ही है, धर्म तो बदलता ही नहीं। और ये जितने अवतार हैं तो युग युग में आते हैं। रामायण में लिखा है कि जब जब हो ये धर्म की हानि, बाढ़ है असुर अधम अभिमानी, तब तब प्रभु धरि विविध शरीर। एक ही प्रभु है जो विविध शरीर धारण करके, तब तब प्रभु धरि विविध शरीर, हरे कृपा निधि सज्जन पीरा। सज्जनों की पीर को हरने के लिए युग युग में एक ही परमात्मा है जो युग युग में आता है। यही गीता में यदा यदा धर्म से ग्लानिर्भवत भारत है, अभ्युत्थान धर्म से तदात्मान त्यजाम्यहम, परित्राणाय साधूनाम विनाशाय चतुष्कताम, धर्म संस्थापनार्था ये संभवाम युगे युगे। हम युग युग में टू इंस्टीट्यूशनाइज द रिलीजन, टू गिव द न्यू सोशल लॉज रिक्वायर्ड फॉर द डे, आई विल कम अगेन एंड अगेन। हम अपने आप को बार बार सृजित करते हैं, कब कब? यदा यदा धर्म से, जब जब धर्म के प्रति ग्लानिर्भवत भारत, मानव के मन में ग्लानि उत्पन्न हो जाए, अरुचि उत्पन्न हो जाए, ईश्वर की शिक्षाओं को जानकर उन पर चलने की भावना में कमी आ जाए, इसे कहते हैं धर्म की हानि। और आदमी क्या करने लगे, रिचुअल करे, आरती करे रामायण जी की, तिलक लगा ले, दो चार लोटा पानी डाल दे शंकर जी पे, हनुमान जी के मंदिर में जाके यहाँ सब वो टीका लगा ले, कलाया बांध ले, सुपारी इधर के इधर के, ये सारे रिचुअल करता है और ईश्वर की शिक्षाओं को न जानने की कोशिश न उन पर चलने की करता है, इसे कहते हैं धर्म की हानि। तो यदा यदा ही धर्म से ग्लानिर्भवत भारत है, जब जब ग्लानी हो जाती है तो ग्लानिर्भवत भारत है, तो अभ्युत्थान धर्म से, तब मानव को दुखी हो जाता है, और दुखी मानव को राह दिखाने के लिए तो अभ्युत्थान धर्म से, तब धर्म का मानव के मन में अभ्युदय करने के लिए, धर्म की ज्योति को पुनः जागृत करने के लिए। क्या धर्म है? इच्छाओं को जानना प्रभु की, प्रभु की इच्छाओं को और आज्ञाओं को जानना, उन पर चलना, इस ज्योति को जगाने के लिए।
तदा आत्मानम सृजाम्यहम्। मैं अपने आप को बार बार सृजित करता हूँ और क्या करता हूँ, परित्राणाय साधु नाम, जो साधु प्रवृत्ति के लोग हैं, संत प्रवृत्ति के लोग हैं, उनका परित्राण या कल्याण करता हूँ। और विनाशाय च दुष्कृताम, जो दुष्कर्म करते हैं, इस समाज को कमजोर बनाते हैं, इस समाज में विप्लव फैलाते हैं, इस समाज में बुरे बुरे काम करते हैं, उनका मैं विनाश करता हूँ। भयंकर नाश, विशेष विशेष प्रकार से, नाश नहीं विनाश, विशेष विशेष प्रकार से नाश करता हूँ। तो विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्था, ये धर्म स्थापनार्थ नहीं, ये स्थापना कर देते तो अनेक धर्म हो जाते। तो गीता में साफ कर दिया कि धर्म शाश्वत है, अपरिवर्तनीय है, न कभी बदला है न कभी बदलेगा। गीता ने स्पष्ट कर दिया कि धर्म स्थापनार्थ नहीं आते हम, धर्म संस्थापनार्था ये संभवाम युगे युगे। हम युग युग में आते हैं टू इंस्टीट्यूशनाइज द रिलीजन, टू गिव द न्यू सोशल लॉज रिक्वायर्ड फॉर द डे। तो हम स्थापना के लिए नहीं आते। स्थापना में एक सा, एक आधा सा, एक आधा ना और जोड़ा तो स्थापना को बना दिया संस्थापना। तो ये भगवान के शब्द हैं, इनमें हम तोड़ मरोड़ नहीं सकते। ऑल द रिवील्ड बुक्स ऑफ गॉड आर अनरिंग कलेक्टेड विजडम, ये अनरिंग है, इनमें कोई त्रुटि नहीं है। बाइबल हुआ, कुरान हुआ, गीता हुआ, गुरु ग्रंथ साहब हुआ, त्रिपिटक हुआ, ये किताबें एकदस हो, किताबें अजाविस्ता हो, ये किताबें एररलेस है, इनमें कोई गलती नहीं है, अनएरिंग है। और कलेक्टेड विजडम है, अर्थात जब से सृष्टि परमात्मा ने बनाई और जब ये धरती के किसी पवित्र आत्मा में कोई पुस्तक उडेली, कोई ज्ञान उडेल दिया, उस समय तक की पूरी बुद्धिमत्ता उस किताब में शामिल होती है, पूरी बुद्धिमत्ता कलेक्टेड विजडम। फिर नया ज्ञान आता है तो नई बुद्धिमत्ता आ जाती है उस युग के लिए, काल के लिए। तो जब जब अवतार आएंगे तो नई बुद्धिमत्ता परमात्मा देगा। तो ये सोशल लॉज हैं, इंस्टीट्यूशनलाइज रिलीजन है, नए नए सामाजिक नियम देता है, लेकिन परमात्मा कभी बदलता नहीं है, वही है, वही अपने आप को बार बार सृजित करता है। तदात्मानम सृजाम्यहम्, मैं ही सृजित करूँगा अपने आप को, मैं ही हूँ जो अपने आप को सृजित करता हूँ। और यही बात रामायण में कि जब जब हो ये धर्म की हानि, बाढ़ असुर अधम वानी, तब तब प्रभु धर विविध शरीरा हर कृपा ने दृष्ट जन पीरा। वही एक परमात्मा है जो विविध रूप में आएगा, कभी राम के रूप में, कभी कृष्ण के रूप में, कभी मोहम्मद ईसा नानक और जोरास्टर और मोजेज और अब्राहम और बाब और बाहुल्ला और नानक और भगवान महावीर के रूप में, एक ही परमात्मा है जो युग युग में आता है। तो प्यारे बच्चों, ये बातें जानना बहुत ज़रूरी है। धर्म के नाम पर बहुत दूरियां बढ़ रही हैं, आप लोग अभी बच्चे हैं और बहुत अच्छी उम्र में हैं, तो आपको अभी से इन चीज़ों को माइंड में लाना है। एक तो जाति पाति के भेदभाव को मिटाना है, एक एक धर्मों के नाम पर दूरियां हैं, इनको ख़त्म करना है। तो ये देखो, ये बच्चा क्या बन गया, इरेशनल। यदि तार टूट जाए सब धर्मों से तो क्या बनेगा, अविचारवान, अनवाइज, अबुद्धिमान। और क्या बन सकता है, अनगॉडली, जानवर की तरह इंसान बन गया, ए बैड ह्यूमन बीइंग, इज ए कर्स फॉर ह्यूमन सोसाइटी, टोटली अनवर्दी एंड अनएक्सेप्टेबल टू सोसाइटी। समाज को तोड़ने वाले बन गए, समाज में विप्लव बनाने वाले। अब बच्चे के तीन क्लासरूम है, यह है क्लासरूम नंबर वन, होम, फर्स्ट सोर्स ऑफ एम्पावरमेंट है बच्चे का। ये इसमें होम में दिव्य प्रकाश परमात्मा का भी हो, सभी अवतारों की शिक्षाएं हो, द फैमिली दैट प्रेस टुगेदर स्टेज टुगेदर, वो परिवार जो मिलजुल कर प्रार्थना करते हैं, मिलजुल के प्रगति करते हैं। अब इसमें देखिए, माता हैं, पिता हैं, बेटा है, बेटी हैं, सब मिल के प्रार्थना कर रहे हैं। और घर में गीता भी है, कुरान भी है, बाइबल और गुरु ग्रंथ साहब भी है, सब किताबें हैं, सबका सम्मान सिखाया जा रहा है। तो बच्चों को ये शिक्षा मिलनी चाहिए। और इसी तरह क्लासरूम नंबर टू उसका स्कूल है, आप जिस स्कूल में बैठे हैं, ये क्लासरूम नंबर दो है आपका, सेकेंडरी सोर्स ऑफ एम्पावरमेंट है। इसमें भी दिव्य प्रकाश परमात्मा का हो, सारे अवतारों का हो, किसी एक धर्म का नहीं हो। स्कूल इज द लाइट हाउस ऑफ सोसाइटी टू प्रोवाइड मीनिंगफुल एजुकेशन, स्पिरिचुअल डायरेक्शन, गाइडेंस एंड लीडरशिप टू स्टूडेंट्स, द पेरेंट्स एंड द सोसाइटी इन जनरल। तो ये सारे समाज के मार्गदर्शन देने के लिए स्कूल होता है। इसमें पढ़ाई भी हो लेकिन प्रार्थना भी हो, दोनों चीज़ें साथ साथ हों। लेट अस मेक एवरी चाइल्ड बोथ गुड एंड स्मार्ट, हर बच्चे को गुड भी बनना है और स्मार्ट भी बनना है। तो क्या बन जाएगा, ए गिफ्ट ऑफ गॉड टू मैनकाइंड।
पूरी मानव जाति के लिए ईश्वर का उपहार बन जाएगा। और क्या बनेगा? प्राइड ऑफ द ह्यूमन रेस, पूरी मानव जाति का गौरव बनेगा। एंड पोटेंशियल लाइट ऑफ द वर्ल्ड, ये धरती की रोशनी बन जाएगा। इसके लिए नॉलेज, विजडम, स्पिरिचुअल परसेप्शन एंड एलोक्वेंट स्पीच, ये चार चीज़ें जरूरी हैं। नॉलेज के माने मेटीरियल, ह्यूमन एंड डिवाइन, तीनों तरह का ज्ञान, और उस ज्ञान का सदुपयोग, विजडम, प्रॉपर यूज एंड एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज वाइजली अकॉर्डिंग टू द एक्सीजेंटल सिचुएशन इज द विजडम ऑफ ए मैन। और तीसरी चीज़ है स्पिरिचुअल परसेप्शन। अब शरीर तो भौतिक है, हमारी सोच, हमारा चिंतन आध्यात्मिक होना चाहिए, और एलोक्वेंट ऑफ स्पीच। और इसके लिए तो हम बच्चों को बधाई देते हैं, यहाँ के बच्चे बहुत एलोक्वेंट हैं, स्पीच में, इंग्लिश में फ्लुएंसी बहुत है, बोल्ड हैं, ल्यूसिड है आपकी स्पीच, और बहुत ही एलोक्वेंट स्पीच आपकी हमने सुनी है, हर जगह झांकी पर भी हमने सुना, क्लास प्रेजेंटेशन में भी सुना है, और यहाँ प्रेयर असेंबलीज में भी, वर्ल्ड पार्लियामेंट में भी, और बहुत जगह आपको सुना हमने। यू आर वेरी वेरी एफिशिएंट, तो ये बहुत ज़रूरी है। यू शुड बी लाइक ए लॉयन रोरिंग इन द फॉरेस्ट ऑफ नॉलेज एंड विजडम, ज्ञान और बुद्धिमत्ता के जंगलों में दहाड़ते हुए शेरों की तरह आपको बनना है। तो ये बहुत ज़रूरी है, एलोक्वेंट स्पीच। और यूनिवर्सल वैल्यूज, ग्लोबल अंडरस्टैंडिंग, सर्विस टू द वर्ल्ड एंड एक्सीलेंस इन ऑल थिंग्स, ये चार आपके बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं। तो पहली चीज़ है यूनिवर्सल वैल्यूज, ईश्वर एक है, धर्म एक है, मानवता एक है। ग्लोबल अंडरस्टैंडिंग, विश्वव्यापी जानकारी होनी चाहिए। सर्विस टू द वर्ल्ड, पूरे विश्व की सेवा का भाव आपके मन में हो। और एक्सीलेंस इन ऑल थिंग्स, हर चीज़ में एक्सीलेंट हो, हेल्थ अच्छी हो, मैनर्स अच्छे हों, एटिकेट्स हों, करेक्टिव बिल्डिंग हो, आप हर चीज़ में एक्सीलेंट हो, हैंड राइटिंग आपका एक्सीलेंट हो, मैथमेटिक्स में आप एक्सीलेंट हो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, जूलॉजी, बॉटनी, लैंग्वेज, लिटरेचर, ह्यूमैनिटीज, सोशल साइंसेज, कंप्यूटर साइंस, हर चीज़ में आप एक्सीलेंट हो, तो एक्सीलेंस इन ऑल थिंग्स। और ये तीसरा क्लासरूम समाज होता है। समाज में ये जितना एक परमात्मा है, सब किताबें वहीं से आई हैं, तो सबको मिलजुल के प्रार्थना करनी चाहिए। ऑल पीपल शुड प्रे टुगेदर सिंस देयर इज ओनली वन गॉड, सबको मिलजुल के प्रार्थना करनी चाहिए। और ये तरह तरह के कपड़े, तरह तरह के टोपे टोपियाँ लगा के ये जो दूरियाँ पैदा कर रहे हैं, इनको रोकना चाहिए, समझाना चाहिए, इन दूरियों का कोई अस्तित्व नहीं। और यहाँ पर लॉ, ऑर्डर एंड जस्टिस, बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ लॉ, टीचर के बनाए नियमों का पालन करना चाहिए, ये लॉ अबाइडिंग बनना चाहिए, ताकि जब समाज में जाएं तो जो लॉ ऑफ द लैंड है, समाज के नियम हैं, उनका पालन करें। गांधी जी ने कहा था, इफ़ वी आर टू टीच द रियल पीस इन दिस वर्ल्ड, इफ़ वी आर टू कैरी ऑन ए रियल वार अगेंस्ट वार, वी शैल हैव टू बिगिन विद द चिल्ड्रन। ये दुनिया में हमें शांति लानी है तो उसका एक ही तरीका है, उसकी शुरुआत बच्चों से की जाए। नेल्सन मंडेला ने कहा था, एजुकेशन इज़ द मोस्ट पावरफुल वेपन विच यू कैन यूज टू चेंज द वर्ल्ड। आप जो शिक्षा प्राप्त कर रहे हो, ये दुनिया को बदलना चाहते हो, इस शिक्षा के द्वारा ही सारी दुनिया को आप बदल सकते हो, यू कैन चेंज द वर्ल्ड। तो नेल्सन मंडेला ने कहा था, इससे ज़्यादा ताकतवर हथियार और कोई भी नहीं है। और विक्टर ह्यूगो, महान विचारक थे, उन्होंने कहा था, देयर इज वन थिंग स्ट्रॉन्गर देन ऑल द आर्मी इन द वर्ल्ड एंड देयर इज एन आइडिया हुज टाइम हैज कम। वो विचार जिसका समय आ चुका होता है, वो विचार दुनिया का सबसे शक्तिशाली, ताकतवर एक ऐसी चीज़ है, वो स्ट्रॉन्गर देन ऑल द आर्मी इन द वर्ल्ड, सारे दुनिया की जितनी आर्मीज हैं, जितने न्यूक्लियर बम और न्यूट्रॉन बम हैं, सबकी ताकत को जोड़ लें, उससे भी ज़्यादा ताकतवर वो विचार होता है जिसका समय आ चुका होगा। और वो विचार है बैलेंस्ड एजुकेशन ऑफ ऑल द थ्री रियलिटीज ऑफ लाइफ, दैट इज मटेरियल, ह्यूमन एंड डिवाइन, इज द आइडिया हुज टाइम हैज कम। तो अब समय आ गया है संतुलित शिक्षा का। प्यारे बच्चों, इन शब्दों के साथ आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। यह थे सिटी मॉन्टेसोरी स्कूल के संस्थापक प्रबंधक एवं प्रख्यात शिक्षाविद डॉक्टर जगदीश गांधी, जिनका मानना है आज मानव जाति को जय जगत के नारे को बुलंद करने की आवश्यकता है, तथा विश्व में वास्तविक शांति लाने के लिए बच्चे ही सबसे सशक्त माध्यम है। डॉक्टर गांधी द्वारा शिक्षा प्रद आध्यात्मिक बातें इन प्रतिष्ठित चैनलों द्वारा नित्य प्रसारित की जाती हैं, तथा रोजाना उनके विचार CMS FM रेडियो 90.4 MHz से भी प्रसारित किए जाते हैं। छात्रों, शिक्षकों व अभिभावकों के मार्गदर्शन हेतु डॉक्टर जगदीश गांधी द्वारा लिखित पुस्तकें साहित्य भारती इंटरनेशनल, न्यूमन ग्रुप
4C अंसारी रोड दरियागंज नई दिल्ली 110002 से प्राप्त की जा सकती हैं। To heal the world with the power of Jai Jagat, City Montessori School since 1959 has been actively working to construct the defenses of peace in the minds of students, for which CMS in the year 2002 was awarded with the UNESCO Prize for Peace Education. A Guinness World Record holder for being the largest city school in terms of number of students enrolled, CMS Education revolves around the twin poles of godliness and globalism through four pillars of education, namely universal values, excellence in all things, global understanding, and service to humanity. It is no wonder that City Montessori School's Gomtinagar First Campus has been awarded first prize for academic reputation at All India level by the Education World magazine in its India School Rankings of 2015. It is also awarded first prize for being the best co-ed school in Lucknow as well as in Uttar Pradesh. CMS founder Dr. Jagdish Gandhi has been motivating parents and generations of good and smart children through holding special prayer assemblies and divine education conferences. World Parliament is a very interesting issue, but we must also adapt it. Mm-hmm. To actual real needs. Oh, great, that's a beautiful way of looking at it, I would say. And perhaps we have the most plausible solution lying therein. Coming back to where we started, Aditya, how does one go about preparing for the SAT examination? SAT examination and any other competitive exam preparation, I believe, has to be done in a very systematic manner. You have to know your own weaknesses, you have to know your own strengths. I, for one, when I started looking at SAT, I had been reading a lot since childhood, so I had a strong vocabulary. Mm-hmm. For me, the issue was exam techniques, how should I tackle the questions, because SAT was a completely new exam pattern. Mm-hmm. For me. I was used to Olympiads and all that, and SAT was completely new. English and maths and all those sections, a 3-hour, 4-hour paper, it was all completely new to me. So I took a mock test, I took several mock tests, and I acclimatized myself to the techniques you must use for answering various types of said questions. For others, they might have to look at different issues, they must go online, they must look at the various things required for the SAT, and then they must judge by themselves, okay, should I allocate more time to improving my vocabulary perhaps? I should perhaps improve my syntax, I should perhaps improve my grammar. They need to understand their own weaknesses, they need to understand their own strengths, and that is something someone else cannot do. That is something you yourself have to do. And once you have decided, okay, this is my weakness, this is my strength, then you can go and seek external help. Perhaps someone else can help you with English, perhaps your teacher can, perhaps you know. But you must first know the exam. You must know what is required for the exam, what you already have, what you need. Once you have, it becomes a very simple man. When do you fill the application? You start applying to colleges around October. The application comes online. It's an online application, so it starts in August. It comes online in August. The first deadline, which is called the early deadline, through which I got in, is around October 31st. The second deadline, the regular deadline, is around December 31st. Mm-hmm. So between this period, August to December, you can fill in your application and send it anytime. If you fill it in early, around October, you get your results in December, as I did. Mm-hmm. If you fill it in December, you get your results around March. Okay. And you can take this examination twice a year? No, you can take this examination as many times as you wish. But again, for Indians, we must consider, first of all, it's an expensive examination. It costs 10,000 rupees per test. And plus, it requires preparation, so you might not want to allocate that much time. But yeah, if you did it once, it's not satisfactory. You can take it again as many times as you wish. Mm-hmm. Your scores are valid for how much time? Your scores, in my time, the SAT pattern was different, and back then scores were valid for 5 years. This mm-hmm. year, the SAT pattern has changed, so I'm not sure. I think it's still constant at 5 years. I don't see any reason why they would change that. So yeah, I'd say 5 years. And they would always take your best scores. Yeah. That is something that goes in your favor.
Right. So this is about filling your application for taking the SAT. Is it that you have to apply to all the universities separately? There is something called the common application. The online application I talked about a little earlier is called the common application. Mm-hmm. Firstly, when you open the common application, you log in, you have something called the common app, mm-hmm. which is basic details which everyone can fill for every college. You have to fill it only once. Mm-hmm. And then you have a common essay, the one I talked to you about, mm-hmm. about one about yourself. You fill it, and all of that you fill only once. That will go automatically to any college you apply to. You don't have to fill it again. But yes, as I said, there are college-specific applications also. In the Common App itself, you choose a college, you get that college-specific application. Mm-hmm. For example, I told you Cornell had me write an engineering idea essay. Okay. So that was a college-specific, so you send that too. So you did just a college-specific? Yeah, you have to do Common App once, and then college-specific you have to do for each college. Okay, that. But yeah. Everybody has to take in Common App? Yeah. You have this, again, something in your favor, which goes in your favor, that if you're not taken up by your specific college, that your preferred choice, yeah. you'll be taken up by at least some colleges. Yeah. Okay. So Cornell was your first choice? Yeah, Cornell was my first choice. I applied under the early decision program, which is binding. Mm-hmm. So if you get in, you have to go. Okay. That is a binding program. So that is why I applied in October. It's early decision. You mm-hmm. have to apply early. So yeah, Cornell was my first choice right from the very start. Great. And you always wanted to be a computer engineer? I've always been interested in computer science. I was really interested in high school. I approached my teacher a lot. I used to talk to him a lot. Yeah. And when I say how many times it can be taken, I mean how many times in a year it is actually It is administered six times a year. Right. There have to be other things also alongside your academic scores. I mean, they take into account your marks too in your high school and intermediate examinations? Class 9th to class 12th, all mm-hmm. marks. Right. Okay. So you cannot skip a grade. You cannot say, I didn't perform well in 11th. You have to send all the marks. Yeah. And not even this best 5 and best 4? No, they require every subject you have taken. Okay. Yeah. And what about your extracurricular activities, social work and those kind of things adding up? Extracurriculars are perhaps the most important factor in our application because they show the universities what makes you unique. Mm-hmm. For instance, a lot of people have good grades, a lot of people have SAT scores. What is different about you? So yes, extracurriculars can range from Olympiads, if you did well in Olympiads, two, they can range to if you did well in debates, two, if you perform social work, or anything that you did in your free time that you believe is significant is an extracurricular activity. Mm-hmm. So I do believe that gives students incentive to go out and do something to enrich mm-hmm. themselves or to enrich the world. You have to go out. That is why I said before that the application process is kind of better because it encourages students to diversify themselves, to go out and see what all they can do instead of just study for a single exam. Shikshatmak Sanskritik Karikram Evam Chintan Hetu Vishwa Ekta Satsangi Aap Sabhi Sabarivar Sadar Amantrit Hain.